वगैरह, और मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी जो है कि बॉक्स और यहाँ से जो लाइट वगैरह चल रही है, मतलब काफी अच्छा इंप्रेशन है। पैसा ना खर्च करने से कम नहीं होता, पैसा ऐसे खर्च करो जैसे बस भाई दे दिए ना हजारों में से देगा तुम्हें अपने। आज के ब्लॉग में हम लोग एक माइक बाय करने वाले हैं, DJI का ऑफिशियल माइक है कोई, तो ये स्टोर पे हम लोग रिव्यू लेंगे। मैं इसके बाद जाऊंगा अपने मेरे दोस्त के घर, उसको मैं माइक की प्राइस बताऊंगा और उसके रिएक्शन देखूंगा। आज मैं वहाँ प्रोजेक्ट डिस्कस करना है तो फिर वहाँ पे मिलते हैं। ये माइक, हाँ यही माइक खरीदना मुझे। तो हम लोग फाइनली माइक हमारा आ गया हाथ में। ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है और ये हमारे भाई हैं, इनसे मोहम्मद हज़ार। ये W3 शॉपिंग पे होते हैं जी। ये DJI के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान है। और काफ़ी इन्होंने अच्छा कोऑर्डिनेट किया है व्हाट्सएप पे मेरे साथ और फाइनली ये डील इंशाल्लाह कर लें इनसे। तो ये आपको लग रहा है कि वर्थ इट है चीज़? बिल्कुल वर्थ इट है, अगर माइक 2 लेंगे तो वो भी वर्थ इट है। अभी इतना सही है, ये भी एक्सपेंसिव है काफी। माइक 2 भी दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ आप दिखा दीजिए। तो इंशाल्लाह फिर आगे पॉडकास्ट वगैरह में काफी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, व्लॉग्स वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इंशाल्लाह फिर आगे ये माइक 2 है DJI का नेक्स्ट और ये माइक 1 है। खैर दोनों ही मतलब अच्छी चीज़ है, दोनों ही मतलब महंगा आइटम है। तो फिर आगे आपको दिखाते हैं कि बाकी दोस्तों के क्या रिएक्शन है इतना महंगा माइक लेने के बाद। आज हम लोग इसको माइक दिखाएंगे, तीन पहले से बैठे हुए अस्पर इब्राहिम और आदि, प्रोजेक्ट डिस्कस करना है हमें और इनको माइक दिखाना है और इनके रिएक्शन देखते हैं जब इनको मैं प्राइस बताऊंगा। सही है तो आगे जाके अभी और भी कार्टून बैठे हुए और साहब भाई ठीक ठीक साथ भाई आजो इधर आजो भाई ये भी अब तो बड़े हो गए साथ भाई। असल में मैं ना आज माइक लेके आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग से शेयर करूँ माइक किस तरह तुम लोग को पसंद आता है नहीं आजो क्या ज्यादा तो माइक दिखाऊं प्राइस में आपको असल में कहा ही बताऊंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे इस गिफ्ट का और बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा आपको पहला इम्प्रेशन कैसा पड़ा माइक देख के? फिनिशिंग वगैरह और मतलब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी जो है कि बॉक्स और यहाँ से जो लाइट वगैरह चल रही है, मतलब काफी अच्छा इम्प्रेशन है। आदि भाई आपका क्या इम्प्रेशन है? चलेगा मैं भी वही करेगा जो क्वालिटी की है मेरे सारे तो महंगा लग रहा है सर। अभी मैं आपको ना प्राइस बताऊंगा नॉर्मल है, मतलब कंपनी मुनासिब है, क्वालिटी भी अच्छी है तो प्राइस अगर मतलब जरूरत मुझे भी ऐसे साथ मुझे करेगा नहीं वैसे कैसा मतलब महंगा है क्या है मेरे हिसाब से नॉर्मल प्राइस है, मतलब DJI की चीजें इतनी नहीं गिरती आपको सही मार्केट प्राइस करना चाहिए ऐसी चीजों पे। हाँ खर्च मेरे ख्याल से क्वालिटी के लिए तो आपको कोई चीज फायदा दे रही है तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा नुकसान बोल रहा था मैं बोल रहा था क्वालिटी चाहिए तो आप उसको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना तो अच्छी बात है। पॉडकास्ट
ASMR की वीडियोस बनाएंगे और से हाँ तो हमारा डेफ डे था तो साथ नहीं उन्होंने एक माइक लाया था कौन सा माइक था अच्छा बोया का माइक हाँ अच्छा माइक था तो ना क्या हुआ हम लोग तफरी मस्ती में बैठे हुए थे ग्राउंड में तो हमने देखा साथ के पास उसका माइक्रोफोन है ही नहीं तो सबकी चार हो गई थी तो हमने फोरम वगैरह भी डाला मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और माइक रेस्ट इन पीस हो गया मिला नहीं उसके बाद से कभी और आज हमारे पास बेहतर चीज़ आता है भाई इससे यही सबक मिला कि आपको चीज़ें आप जिंदगी में आपसे आप मतलब खो लेते हो लेकिन आपको उससे बेहतर एक मिल जाते हैं समझ रहा हूँ समझ गया तो बात नहीं रॉक रॉक टेस्ट यहाँ से ही कर लेते हैं ना बॉर्डर रेजिस्टेंस पहले बॉर्डर रेजिस्टेंस चेक कर लो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जब महंगी चीजें लें तो महंगे लोगों में दिखाएं जो समझे वो तो जैसे ही जिसकी सोच बहुत बोल रहे हो खून का भी साथ ही ड्रॉप टेस्ट किया जाए फिर दोनों कैप्चर भी हो जाएगी ना देखा देखा इसीलिए कहते हैं कि अच्छी जगह अच्छी चीज अच्छी जगह निकालनी चाहिए वैसे ना ये बंदा जबरदस्ती आया है ये असल में प्रोजेक्ट में हमारे साथ नहीं होता असल में हम तीन करते हैं प्रोजेक्ट मैं इब्राहिम और हादी ये भाई है ना ये वाले ऐसी अच्छा मंगनी हुई तो मैं खिलाऊंगा शुक्रिया इब्राहिम भाई असफर भाई को शुक्रिया हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि पहली बार जिंदगी में असफर भाई ने पे किया ऐसा ही पहली बार आगे करते रहे नहीं। आगे इंशाल्लाह पे करते रहे ऐसे नहीं है ना तुम दिया असफर भाई को लगता है कि हम तीन पे कर देंगे बाकी अब खाना कहेंगे और उनको दुआएं देंगे दिल से कुल मैं व्लॉग के एंड में इब्राहिम भाई से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो कुछ शेर वगैरह पढ़ ले ताकि एक अच्छी एंडिंग हो जाए व्लॉग शेर आप लोगों के जी बिल्कुल असफर भाई शादी में मिलाई जी 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 ये के भूला नहीं हूँ मैं ये के भूला नहीं हूँ मैं ये भी नहीं कि तुम याद आते ओहो पहले सबसे पहले तुम थे अब तुम सबके बाद ओहो यार ये शेर था